मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी चुके एग्जाम्पल में, सेम वही प्रोसेस है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं क्या है। अ सॉल्यूशन ऑफ अ 8% बोरिक एसिड, एक कोई सॉल्यूशन हमारे पास उसमें 8% बोरिक एसिड है, इज टू बी डायल्यूटेड, मतलब डायल्यूटेड मीन्स क्या, तो उसमें एसिड को थोड़ा सा कम कर देना, ठीक है। अभी हम जैसे उसके अंदर 8% एसिड है, अब थोड़ा सा कुछ डाइल्यूट करने का मतलब उसको थोड़ा सा पतला कर देना या थोड़ा सा एसिड को कम कर देना, बाई एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। अब देखिए हमारे पास इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका है, एक हमारे पास एक बॉक्स है, बहुत प्यार से समझेंगे, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है इस तरीके से, उसमें कितने परसेंट, 8% क्या है एसिड में, चलो बोरिक एसिड को आप थोड़े एसिड समझते हुए चलिए, कंसेप्ट समझो बस, ठीक है, 8% एसिड है। अब इसमें हमको कुछ एसिड कम करना है, कह रहे ना 8% है, डायल्यूट करना मतलब अब हम चाहते हैं एसिड थोड़ा सा कम हो जाए, तो कब कम होगा, अब हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, उसमें 2% बोरिक एसिड है, बस उसमें 2% बोरिक एसिड है, वो इस तरीके से है, उसमें क्या है 2% एसिड है। तो एक बात, इसमें एसिड बहुत कम है, इसमें अगर मैं इसको मिलाऊंगा इसमें तो एसिड कम नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन ये कह रहे इसमें से कितने लीटर मिला दें, इसमें क्वेश्चन सुनो ध्यान से, इसमें से कितने लीटर, तो मैंने कहा भाई मान लीजिए मैंने इसमें से एक्स लीटर मिला दिया, कितना मिला दिया एक्स लीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डायल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड टू इट, ठीक है, द रिजल्ट। अब जो अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसमें से मिलाते जा रहे हैं, मिलाते हैं, कुछ कंडीशन है, इतना मिलाओ केवल कि इसमें जो एसिड है वो 4% से ज़्यादा हो जाए, 6% से कम हो जाए, ठीक है, ये है क्वेश्चन, कितना मिला, तो मैंने कहा एक्स मिला देते हैं। If we have 640 liters of 8%, मतलब इसके अंदर कितना टोटल इसके अंदर कितना है 640 liter solution है, 640 liter में 8% तो एसिड है, अब 92% इम्प्योरिटी वाटर एल्कोहल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो हमें नहीं पता, एसिड हमारे पास 8%, 92% क्या हमको नहीं बताया गया, तो वही क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसका कितना लीटर इसमें मिला दिया जाए। मैंने कहा मान लो इसमें एक्स लीटर मिला दिया है, कितना मिला दिया है एक्स लीटर, अब आप यार इसमें एक्स लीटर मिलाएंगे तो अब इसमें कितना हो जाएगा सॉल्यूशन 640 प्लस एक्स, तो इसको मैं अलग बॉक्स में समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने एक्स मिला दिया तो अब इसमें सॉल्यूशन कितना हो गया, कितना सॉल्यूशन हो गया 640 प्लस एक्स हो गया, तो एक्स लीटर हमने इसमें मिला दिया, बस इतना है। अब हम चाह रहे हैं इसके अंदर जो हमारा एसिड है वो 4% से ज़्यादा 6% से कम हो। अब बहुत प्यार से समझेंगे, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे कि वोरिक एसिड इन वॉक्स वन, वॉक्स वन में वोरिक एसिड कितना है, तो कितना भैया 8% कितना है किसका 640 का, यस और नो, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व हो रहा है तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 32 और 2 5 जा, ठीक है, तो 8 2 जा 6 कैलकुलेशन है, 8 2 जा 16 कैरी 1 25 अपॉन 5, ठीक है। इसमें एसिड कितना है, इतना ही तो है, इतने लीटर एसिड है इसमें, ठीक है। अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ बोरिक एसिड इन वॉक्स 2, तो वॉक्स 2 में कितना है 2%, कितना है 2% किसका एक्स का, सही बात है यार, क्यों मैंने इसमें, सुनो मैंने इसमें से एक्स लीटर मिला दिया तो एक्स लीटर में एसिड कितना 2% होगा ना, तो इसे हम क्या 50, तो इसमें कितना हो गया एक्स अपॉन 50 लीटर, क्लियर है। अच्छा ये इसमें एसिड है, बॉक्स टू में इतना एसिड है, तो टोटल एसिड कितना हो गया, टोटल एसिड अगर मैं इसको बॉक्स 3 बोलता हूँ आपको समझाने के लिए, तो अगर मैं आपसे टोटल एसिड इन बॉक्स 3, तो क्या इन दोनों को आप ये नहीं कहोगे सर ऐड कर दो, यस और नो, इतना ही तो हो गया एसिड, क्यों ये भी एसिड है ये भी एसिड है, तो जो हमने इसमें एक्स लीटर मिला दिया, तो अब मैं पूछता हूँ एसिड कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर इतना हो गया, यस और नो। और ये जो एसिड है कुछ कंडीशन है कि क्या 4% से ज़्यादा हो, 6% से क्या हो, कम हो, तो कंडीशन क्या करें, ये जो एसिड है 4% से क्या हो, बड़ा हो, और 6% से क्या हो, 6% मतलब लेकिन किसका, टोटल का, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 460 प्लस एक्स, और 460 प्लस एक्स,
क्योंकि वो कह रहे हैं टोटल का इसमें, अब अगर मैंने यार इसमें से एक्स लीटर मिला दिया था तो अब इसमें 640 प्लस एक्स हो गया, तो इसमें भी एसिड होगा, तो वो एसिड कितना ये है, लेकिन लिमिट लगा दी कि 4% से ज़्यादा हो और क्या हो 6% से कम हो। केवल और केवल कैलकुलेशन है, उसमें आप डरना मत, इससे कैंसिल हो जाएगा 25, तो होगा 460 प्लस एक्स अपॉन 25, 256/5। अब ये मत कहना कि कैलकुलेशन कैसे होगी, यही किया है तो केवल मैं देख के आंसर लिख दूंगा, इक्वेशन एकदम ठीक है, आप मस्त रहिए। एक्स की वैल्यू 320 से अधिक है और 1280, मतलब क्या हुआ कि आप इसमें इस सॉल्यूशन एक्स लीटर, मतलब या तो 320 लीटर इसका सॉल्यूशन मिला दो या 1280 के 320 को नहीं लेंगे, 320 से ज़्यादा 321 या 1280 से कम के भीतर मिला दोगे तो इसके अंदर जो एसिड हो जाएगा वो 8 की जगह 4 से ज़्यादा और 6 से कम हो जाएगा। ये है कैलकुलेशन, डू योर सेल्फ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो लेंथी होगा, से आपका ही नुकसान है। कंसेप्ट समझिए, जो कंसेप्ट इधर, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। लग रहा है पवन कोई डाउट, कोई डाउट है, पक्की बात है, देख लो। तो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है कि मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया, हो सकता है कोई डाउट हो। अच्छा 640 है, हाँ सही कह रहे हैं, 640 है, ठीक है वो, ये आपने अच्छा बताया। ठीक है तो कैलकुलेशन है केवल, तो वो अपना आप 640 जो भी था वो कर ले रहा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉज द वीडियो।